दक्षिण 24 परगना में कोरोना की जबरदस्त वापसी हुई है। वापसी भी ऐसी कि वहां के सोनारपुर कस्बे में लॉकडाउन लगाना पड़ गया है, यानी अब उस इलाके में सिर्फ जरूरी सेवाएं ही खुली रहेंगी और बाकी सब बंद रहेगा। बंद मतलब एकदम बंद, कोई छूट नहीं। ये हालात ठीक वैसे ही हैं जैसे करीब 1.5 साल पहले पूरे देश में जब प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन का ऐलान किया था। ऐसी नौबत इसलिए आई क्योंकि दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर में कोरोना ने बहुत तेजी से अपने पैर पसारे और लोगों को घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया। इस खतरे को देखते हुए गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश जारी किए कि वो अपने यहाँ कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करवाएं। बंगाल जैसी दहशत कर्नाटक में भी मची हुई है। वहां के कोडागू में एक नवोदय विद्यालय के 32 छात्र और एक टीचर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। इतनी बड़ी तादाद में छात्रों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उस नवोदय विद्यालय को भी सील कर दिया गया है। अभी त्योहारों का मौसम चल रहा है और देश के कई शहरों में बाजारों में भीड़ बढ़ गई है। दिल्ली में भीड़ कम करने और लोगों को कोरोना नियमों का पालन करवाने के लिए पुलिस ने पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी है। और पश्चिम बंगाल में ये हालात दुर्गा पूजा के बाद बने। वहां के दक्षिण 24 परगना में कोरोना की जबरदस्त वापसी हुई और वहां के सोनारपुर कस्बे में लॉकडाउन लगाना पड़ गया, यानी अब उस इलाके में सिर्फ जरूरी सेवाएं ही खुली रहेंगी और बाकी सब बंद रहेगा। ये हालात ठीक वैसे ही हैं जैसे करीब 1.5 साल पहले पूरे देश में जब प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन का ऐलान किया था। ऐसी नौबत इसलिए आई क्योंकि दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर में कोरोना ने बहुत तेजी से अपने पैर पसारे और लोगों को घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया। इस खतरे को देखते हुए गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश जारी किए कि वो अपने यहाँ कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करवाएं। बंगाल जैसी दहशत कर्नाटक में भी मची हुई है। वहां के कोडागू में एक नवोदय विद्यालय के 32 छात्र और एक टीचर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। इतनी बड़ी तादाद में छात्रों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उस नवोदय विद्यालय को ही सील कर दिया गया है। और अभी त्योहारों का मौसम चल रहा है और देश के कई शहरों में बाजारों में भीड़ बढ़ गई है। दिल्ली में भीड़ कम करवाने और लोगों को कोरोना नियमों का पालन करवाने के लिए पुलिस ने पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी है, लेकिन सावधानी नहीं बरती गई तो पूरे देश में बंगाल और कर्नाटक जैसे हालात बन सकते हैं। दुर्गा पूजा के दौरान लोगों पर लापरवाही इस कदर हावी हो गई कि पश्चिम बंगाल में कोरोना की वापसी हो गई। इस महामारी के मरीजों में बढ़ोतरी हुई तो राज्य सरकार ने दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर में 3 दिन के लिए लॉकडाउन लागू कर दिया, जिसके बाद वहां केवल जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानें ही खुलेंगी और लोग बेवजह घरों से बाहर निकलकर घूम फिर भी नहीं सकेंगे। लॉकडाउन लागू होने के बाद की जो तस्वीरें वहां से सामने आई उनमें कई दुकानों पर ताला जड़ा दिखा, लेकिन बड़ी तादाद में लोग अब भी महामारी को गंभीरता से लेते नजर नहीं आए। बाजार में भीड़ भी दिखी और ऐसे लोग भी जो मास्क लगाने के नाम पर या तो सिर्फ खाना पूर्ति करते मिले या उन्होंने मास्क अपने पास रखना जरूरी तक नहीं समझा। इस समय मैं सोनारपुर मार्केट में हूँ, कई चेहरे यहाँ पर आपको बिना मास्क के अब भी नजर आ जाएंगे। मास्क नहीं लगाकर अपने साथ ही बेईमानी कर रहे ऐसे लोग अजीबोगरीब बहाने बनाने से भी नहीं हिचकिचाए। नाक पर भी नहीं लगाया दादा अपने मास्क। पानी पिया है, अभी पानी पिया है तब लगाएगा मास्क। वहाँ की सड़कों पर कुछ ही लोग ऐसे मिले जिन्होंने कोरोना नियमों को ध्यान में रखकर ही अपने कामकाज निपटाने की ठानी, और ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा मिली जिन्हें मास्क की अहमियत 1.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी समझ नहीं आ रही। लेकिन प्रशासन भी कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखकर चौकन्ना हो गया। यही वजह रही कि जगह जगह पुलिस की मदद से लोगों पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी गई। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें कुछ पुलिस वाले लाउडस्पीकर की मदद से लोगों को कोरोना नियमों की याद दिलाते दिखे और महामारी से बचने के लिए मास्क इस्तेमाल करने की सलाह देते सुनाई दिए। पुलिस की कई टीमें शहर के कई हिस्सों में घूमती नजर आईं। पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं उतारने की अपील की। इसके बावजूद जो लोग नहीं माने उन पर पुलिस सख्त हो गई। पुलिस ने ऐसे लोगों की धरपकड़ शुरू कर दी, उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाकर थाने ले जाना शुरू कर दिया। और बताया गया कि मास्क नहीं पहनने के आरोप में पुलिस ने 22 लोगों को हिरासत में ले लिया। राज्य में बढ़ रहे कोरोना मरीजों पर काबू पाने के लिए ही कोलकाता से करीब 20 किलोमीटर दूर सोनारपुर में 3 दिन के लिए लॉकडाउन लागू किया गया है। शहर में 19 कंटेनमेंट जोन भी बनाए गए हैं। इस बीच देश में मेडिकल के क्षेत्र में रिसर्च करने वाली संस्था ICMR ने भी बंगाल सरकार को चिट्ठी लिखी जिसमें कोलकाता में करीब 25% मरीज बढ़ने पर उसने चिंता जताई। राज्य में अब तक कोरोना के 15,88,000 मरीज सामने आ चुके हैं जब से कोरोना आया और 19,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बीते 24 घंटों में राजधानी कोलकाता में 248 नए मरीज सामने आए हैं। 248 आंकड़ा छोटा ना समझिए क्योंकि ये धीरे धीरे बढ़ रहा है और 6 मौतें हुई हैं।
राज्य के हालात बिगड़ते देख केंद्र ने भी बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि वो ऐसी व्यवस्था करे कि त्योहारों के दौरान कोरोना नियम न टूटे। लेकिन दिवाली से पहले देश के अलग अलग शहरों में लापरवाही बढ़ती दिख रही है, खुलेआम कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ती दिख रही हैं, जिनमें दिल्ली भी शामिल है, जहां के सदर बाजार में त्योहार के मौसम में ऐसी भीड़ उमड़ी कि पांव रखने तक की जगह नहीं बची। जाहिर है अब इतनी भीड़ है तो दो गज की दूरी का नियम तो टूटेगा ही। ग्राहक यहाँ आ रहे हैं, सामान बेचने वाले तमाम लोग भी। ये तस्वीरें जो दिल्ली के बाजार की हैं, ये भी अपने आप में डराने वाली है। रही बात मास्क की, तो वो भी गिने चुने लोगों के चेहरे पर ही नजर आया, और जिन्होंने नहीं पहना उनके पास बहानों की लंबी लिस्ट थी। कहाँ है फिर? आपने क्यों नहीं लगाया? सर जी मास्क है। मास्क इस बीच इलाके के पार्षद बाजार में लोगों को जागरूक करते और मास्क बांटते नजर आए। यही नहीं, दिल्ली सरकार ने दावा किया कि त्योहार के मौसम में कोरोना से बचने के लिए वो तैयार हैं। देखो दिल्ली तो बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड है। बाजारों में उमड़ी ये भीड़ खतरे की घंटी बजा रही है। बंगाल में तो दुर्गा पूजा के बाद कोरोना मरीजों की संख्या अचानक बढ़ने भी लगी है, और जिस तरह का हाल देश के कई शहरों के बाजारों में दिखा उसने और डरा दिया। जयपुर के चांदपोल बाजार का हाल भी दिल्ली के सदर बाजार जैसा ही दिख रहा है, क्योंकि वहां भी लोग बिना मास्क के बेधड़क घूमते नजर आए। न ग्राहक और न ही दुकानदारों ने मास्क पहनना जरूरी समझा। एक दुकानदार ने तो ये तक बोल दिया कि कोरोना है ही नहीं। मास्क नहीं लगा रखा आप सामान बेचते हैं दिन भर, कोरोना नहीं है। जयपुर में कोरोना के मरीज तो अभी कम हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि इसकी वजह टेस्टिंग की कमी है। इस बीच केंद्र सरकार अलर्ट हो चुकी है और उसने राज्यों को आदेश जारी किया। खास बात यह कि कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए लगातार दूसरे महीने सभी राज्यों को आगाह किया गया और केंद्र ने आदेश दिया कि वो कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करें। गृह मंत्रालय ने सितंबर के महीने में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जो आदेश दिया था उसी आदेश को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि कोरोना का खतरा अब भी बरकरार है, लिहाजा स्थानीय प्रशासन ये सुनिश्चित करें कि त्योहार के वक्त जो भीड़ है वो नियम के मुताबिक चले। गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन पर खास ध्यान देने को कहा, टेस्टिंग ट्रैकिंग ट्रीटमेंट को अमल में लाने को कहा। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां कुछ छात्रों ने अपने ही प्रोफेसर की डंडों से पिटाई कर दी। बताया गया कि प्रोफेसर ने उनमें एक छात्र को किसी बात पर फटकार लगाई थी। लेकिन अपने छात्र को अनुशासन का पाठ पढ़ाना प्रोफेसर को महंगा पड़ गया। डांट से गुस्साए छात्र ने अपने कुछ साथियों के साथ प्रोफेसर को घेर लिया और उनकी पिटाई कर दी। इस घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लड़के अपने ही टीचर पर डंडे बरसाते हुए नजर आए। हालांकि ठीक इसी वक्त पुलिस की एक टीम वहां पहुंच गई। पुलिस को सामने देख लड़के वहां से भागने लगे। उन्हें दबोचने के लिए पुलिस वाले भी उनके पीछे दौड़े। हालांकि वो किसी तरह पुलिस को चकमा देकर वहां से फरार हो गए। इस हमले में प्रोफेसर को काफी चोटें आई और वो जख्मी हो गए। बाद में उन्होंने आरोपी छात्रों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। दक्षिण अमेरिका के देश इक्वाडोर में तेल की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए। वहां तेल पर सब्सिडी खत्म हो जाने के बाद दाम आसमान छूने लगे। राष्ट्रपति गेरमो लासो की आर्थिक नीतियों से नाराज लोगों ने देश भर में हड़ताल कर दी और राजधानी क्विटो से लेकर कई प्रांतों में हिंसक प्रदर्शन किए गए, जिसके लिए लोग सड़कों पर उतर आए और टायर जलाकर सड़कों को बंद कर दिया। इस बीच ऐसी हिंसा भड़की कि उसे काबू में करने के लिए भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और काफी देर तक आंसू गैस के गोले दागे गए। इस बीच प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प भी हुई। सड़कों पर पुलिस के कई जवान दौड़ दौड़ कर प्रदर्शनकारियों को हटाते दिखे। यही नहीं, लोगों ने सड़क पर मिट्टी का ढेर लगाकर रास्तों को बंद कर दिया और नारे लगाने लगे। एक इलाके में सड़क पर पेड़ों की टहनियों को डालकर रास्ता बंद किया गया, जिससे ट्रैफिक जैम हो गया। बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों ने वहां मार्च किया और रास्ते को खोला। लोगों की बढ़ती नाराजगी को देखते हुए राष्ट्रपति ने कोई रास्ता निकालने का भरोसा दिया। अलग अलग जगहों पर हुए प्रदर्शनों की वजह से आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कोरोना महामारी के बीच भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने जैविक हथियारों को नया खतरा बताया और इनसे निपटने के लिए नई रणनीति बनाने पर जोर दिया। बायोलॉजिकल रिसर्च हैज लेजिटिमेट साइंटिफिक पर्पसेस, इट्स ड्यूअल यूज एप्लीकेशंस कैन बी मिसयूज्ड। द डेलिबरेट वेपनाइजेशन ऑफ डेंजरस पैथोजेंस इज अ सीरियस कंसर्न। दिस हैज हाइटेंड द नीड टू बिल्ड
comprehensive national capabilities in biodefense, biosafety and biosecurity. Girftari ke 26 din baad Shah Rukh Khan ke bete Aryan Khan ki rihai ka rasta saaf ho gaya. Bombay High Court ne 3 din tak chali sunwai ke baad Aryan samet 3 aaropiyon ko zamanat de di. जिसकी खबर मिलते ही शाहरुख खान के कुछ समर्थक उनके बंगले मन्नत के बाहर एक पोस्टर लेकर पहुंच गए। आर्यन के स्वागत में नारे सुनाई देने लगे। थोड़ी ही देर में आतिशबाजी भी शुरू हो गई। जश्न इसलिए मना क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने 3 दिन तक चली सुनवाई के बाद आरोपियों को जमानत दे दी। डिटेल्ड ऑर्डर कल मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि ये तीनों अक्यूज जो हैं ये कल या शनिचर तक बाहर आ जाए। मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद आर्यन, मुनमुन और अरबाज की रिहाई शनिवार तक हो सकती है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने जमानत के बाद एक बार फिर NCB पर हमले तेज कर दिए। प्रयास रहता है कि लोगों को ज्यादा दिन जेल में कैसे रखा जाए, लोगों के मन में डर कैसा पैदा किया जाए। जमानत के फैसले के बाद शाहरुख खान और उनकी लीगल टीम की एक तस्वीर सामने आई। इस टीम में सतीश मानशिंदे के अलावा कई दूसरे वकील भी दिखे। आर्यन समेत तीनों आरोपियों को अदालत ने सख्त शर्तों के साथ जमानत दी है और अदालत के आदेश के मुताबिक तीनों आरोपियों को अपने पासपोर्ट जमा कराने होंगे, जिसका सीधा मतलब यह है कि जब तक ये केस चलता रहेगा तीनों आरोपी देश से बाहर नहीं जा पाएंगे। इसके अलावा कोर्ट ने यह शर्त भी लगाई है कि केस से जुड़ी कोई भी बात आरोपी न तो मीडिया को बता सकते हैं न ही सोशल मीडिया पर कुछ लिख सकते हैं। जब तक केस की सुनवाई चलती रहेगी हर शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच आरोपियों को NCB के दफ्तर में पहुंचकर हाजिरी देनी होगी। इसके अलावा अगर शहर से बाहर जाना होगा तो उसके लिए पहले जांच एजेंसी से इजाजत लेनी जरूरी होगी और केवल इजाजत ही नहीं लेनी होगी बल्कि अपना पूरा कार्यक्रम पहले से जांच एजेंसी को बताना भी पड़ेगा। इसके अलावा भी किसी भी गवाह या किसी सबूत के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश भी नहीं की जा सकती और अगर ऐसा करने का शक भी जांच एजेंसी को हुआ तो जमानत रद्द करने की अपील कोर्ट में की जा सकती है। यूपी में ओवैसी की पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यूपी विधानसभा चुनावों में शिवपाल यादव से गठबंधन का इशारा कर AIMIM ने खलबली मचा दी। पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया कि उनकी पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और समाज के हर तबके के लोगों को टिकट दिए जाएंगे। हम चुनाव जरूर लड़ेंगे और हमारे अध्यक्ष ने ये बात का ऐलान कर दिया है कि हम 100 सीट पर इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। यूपी में अपनी खोई सियासी जमीन हासिल करने में जुटी कांग्रेस को ओवैसी के ये तेवर रास नहीं आए और उन्होंने उन पर BJP की बी टीम होने का आरोप मढ़ दिया। उनका काम यही है कि किसी तरह से सेकुलर ताकतों को, सेकुलर पार्टियों को कमजोर किया जाए। T20 वर्ल्ड कप में नामीबिया ने स्कॉटलैंड को 4 विकेट से हराकर जीत से अपनी शुरुआत की, जबकि स्कॉटलैंड की इस टूर्नामेंट में ये लगातार दूसरी हार रही। पंजाब दौरे पर पहुंचे दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने मानसा में कुछ किसानों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। 1 अप्रैल के बाद से पंजाब के अंदर कोई किसान खुदकुशी नहीं करेगा। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने बताया कि पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वालों पर देशद्रोह का केस दर्ज होगा। हालांकि सरकार के इस फैसले पर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठा दिए। सरकार क्यों खोज रही है कि कैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान कर लें, कैसे हिंदू मुसलमान कर लें। T20 वर्ल्ड कप में रविवार को होने वाले दूसरे मैच से पहले टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर आई। BCCI ने मैदान पर हार्दिक पंड्या के अभ्यास की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। इन तस्वीरों में वो बल्लेबाजी के अलावा गेंदबाजी भी करते नजर आए। पंड्या पाकिस्तान के खिलाफ मैच में घायल हो गए थे और गेंदबाजी नहीं करने के लिए आलोचना का शिकार भी हुए थे। किसान आंदोलन के 11 महीने बाद टिकरी बॉर्डर पर लगाए गए बैरिकेड को हटाना अब शुरू कर दिया गया है। पुलिस ने रोहतक रोड पर लगाए गए बैरिकेड को काफी हद तक हटा दिया है, जिसके बाद रास्ता खुलने की उम्मीद है। दिल्ली पुलिस मिट्टी खोदने वाली मशीन की मदद से कंक्रीट की दीवारों, सीमेंट के बैरिकेड्स को हटाने में जुटी हुई है। किसान आंदोलन की वजह से ये रास्ता 11 महीनों से बंद है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर हिंद मजदूर किसान समिति नाम के संगठन के लोगों ने दूसरे दिन भी प्रदर्शन किया। इस संगठन के किसान एक दिन पहले ही वहां इकट्ठा हुए थे और दलित युवक लखबीर सिंह की आत्मा की शांति के लिए हवन करना चाहते थे, लेकिन इजाजत नहीं मिली थी और हंगामा हुआ था, जिसके अगले दिन उन्होंने सिंघू बॉर्डर के नजदीक हवन किया। पंचम प्रगति मान्यतम।
इन किसानों ने दलित युवक लखबीर सिंह की आत्मा की शांति के लिए ही नहीं, उनकी निर्मम हत्या के विरोध में और उनके परिवार को मुआवजा दिलवाने के लिए भी ये हवन किया। यहाँ पर हवन किया जा रहा है क्योंकि ये किसान यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे पहले, और उसके बाद उन्होंने प्रशासन से मांग की थी कि सिंघू बॉर्डर पर उनकी हत्या की गई है और वहाँ पर उनकी आत्मा की शांति के लिए हवन जारी है। यही नहीं, इन किसानों ने अपने तेवरों से ये जता दिया कि अपनी मांगे मनवाने के लिए वो दिल्ली तक प्रदर्शन करेंगे। ना हुआ उनको न्याय नहीं मिला तो मुजफ्फरनगर से दिल्ली कितनी दूर है। इससे पहले ये लोग सिंघू बॉर्डर पर गद्दे डालकर और बैनर लेकर बैठे रहे, हालांकि हवन के बाद उन्होंने वापसी की तैयारी कर ली। गुजरात के भरूच से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक सीएनजी पंप पर गैस भरते वक्त जबरदस्त धमाका हो गया। हालांकि ये हादसा किस वजह से हुआ इसकी जानकारी नहीं मिली, लेकिन इस हादसे का एक वीडियो सामने आया। वीडियो में पंप के कर्मचारी उस कार में गैस भरते हुए नजर आए, कार का ड्राइवर भी उनके साथ बाहर खड़ा दिखाई दिया। इसी बीच एक दूसरी कार भी गैस भराने के लिए वहां पहुंची। इससे पहले कि कोई समझ पाता, पहले वाली कार में एक जोरदार धमाका हो गया। धमाका होते ही वहां मौजूद कर्मचारी और दूसरे लोग जान बचाने के लिए तेजी से दूसरी तरफ भागे। धमाका इतना जबरदस्त था कि कार के परखच्चे उड़ गए, सीएनजी पंप के छत के हिस्से तक टूटकर कार के ऊपर आ गिरे। यही नहीं, दूसरी तरफ मौजूद कार को भी धमाके से नुकसान पहुंचा। हादसे के बाद वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसने धमाके के बाद सीएनजी पंप में हुई बर्बादी साफ दिखाई दी। हालांकि गनीमत ये रही कि वहां मौजूद लोग किसी तरह खुद को बचाने में कामयाब हो गए और किसी को कोई गहरी चोट नहीं आई। अफ्रीकी देश सूडान में 3 दिन पहले हुए तख्तापलट को लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, वहां अब भी हंगामा जारी है। हालांकि सेना जुलाई 2023 में तय वक्त पर ही चुनाव कराने का भरोसा दे रही है, लेकिन वो कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। ऐसे में सेना की तानाशाही झेल चुकी सूडान की जनता भी लोकतंत्र को यूं ही हाथ से निकलने देने को तैयार नहीं है। इसलिए राजधानी खर्तूम में लोगों ने दिन ढलने के बाद रात में भी चैन नहीं लिया और सड़क पर उतरे नजर आए। वो भी इक्का दुक्का नहीं बल्कि पूरा मजमा लोकतंत्र के लिए आवाज बुलंद किए दिखा, और एक बार फिर सड़कों पर टायर फूंक कर लोगों ने बंद पड़े रास्तों को खुलने ही नहीं दिया। मशालें जलाकर जोरदार नारेबाजी करके प्रदर्शनकारियों ने अपने तीखे तेवरों से जता दिया कि उन्हें सेना की जी हुजूरी कतई मंजूर नहीं। मध्य प्रदेश के सिवनी से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां भूसे से लदे एक ट्रक में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि वो ट्रक एक गांव से अंदर खड़ा था, तभी उसमें लदे भूसे में किसी तरह से आग लग गई, जिसने कुछ ही मिनटों में ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि ट्रक ड्राइवर ने बहादुरी दिखाई और ट्रक को चलाते हुए गांव से बाहर ले जाने लगा। इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें लपटों से घिरा वो ट्रक गांव की सड़क पर दौड़ता हुआ दिखाई दिया। ट्रक से आग के शोले भी नीचे गिरते हुए दिखे। हालांकि ड्राइवर ने ट्रक नहीं रोका और जान जोखिम में डालकर वो उसे चलाता रहा। बाद में उसने ट्रक को गांव के बाहर मौजूद एक तालाब में उतार दिया। उसके पीछे गांव के लोग भी वहां पहुंचे और आग बुझाने का काम शुरू किया। हालांकि तालाब के पानी की वजह से ट्रक लपटों की चपेट में नहीं आया और सुलग रहे भूसे को भी बुझा लिया गया। रेलवे ने अपने अधिकारियों के चाय नाश्ते के खर्चे पर लगाम लगा दी। न्यूज 18 के चंदन जजवाड़े की रिपोर्ट है कि रेलवे ने अधिकारियों की सरकारी बैठकों के दौरान चाय नाश्ते पर होने वाले खर्च की सीमा तय कर दी, जो 1 नवंबर से लागू हो जाएगी। इसके लिए रैंक के आधार को आधार बनाया गया है और उसी के तहत रेलवे अधिकारियों को चाय नाश्ते पर खर्च करने की इजाजत मिलेगी। यानी सेक्शन ऑफिसर और उनके बराबर के अधिकारी 1 महीने में ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए खर्च कर सकेंगे, जबकि डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर रैंक के अधिकारी 1 महीने में 1200 रुपए तक का खर्च चाय नाश्ते पर कर सकेंगे। इसी तरह ज्वाइंट सेक्रेटरी और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए ये रकम 2500 रुपए होगी। वहीं रेलवे बोर्ड के एडिशनल मेंबर के लिए ये सीमा 5000 रुपए रखी गई। खास बात यह कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और बोर्ड के दूसरे सदस्यों के लिए खर्च की सीमा तय नहीं की गई है, यानी उन पर यह नया आदेश लागू नहीं होगा। अखिलेश यादव ने छात्रों को लैपटॉप बांटे। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में टॉप करने वाले छात्रों को लैपटॉप बांटे। दिल्ली सरकार प्रदूषण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों में युवाओं को शामिल करेगी। इसके लिए एक वेबसाइट लॉन्च की गई, जिसके जरिए प्रदूषण से निपटने के लिए किए जा रहे कामों की जानकारी मिलेगी। इसके अलावा प्रदूषण कम करने के नए तरीके बताने वाले 100 युवाओं को सम्मानित भी किया जाएगा। आरएसएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने कुछ सरकारी कंपनियों के निजीकरण का आरोप लगाया और दिल्ली में प्रदर्शन किया। आर्यन खान विवाद के बाद कांग्रेस के नेता और मशहूर वकील केटीएस तुलसी के ड्रग्स पर दिए बयान पर घमासान छिड़ गया।
केटीएस तुलसी ने दलील दी कि हर आदमी की जिंदगी का हिस्सा बन चुके ड्रग्स को अब शराब, गुटखा और तंबाकू जैसी हानिकारक चीज की तरह मान्यता दे देनी चाहिए। क्या शराब कम हानिकारक है? वहाँ तो टैक्स ही लगता है, तो टैक्स यहाँ पे भी लगा दे। बीजेपी ने तुलसी के बयान को ड्रग्स की हिमायत माना और कांग्रेस को इस पर अपना नजरिया साफ करने की चुनौती दे डाली। कांग्रेस नेतृत्व को भी अपने सांसद के द्वारा कहे गए कथन के ऊपर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी वहां एक सदस्यता अभियान चलाएगी। इसकी शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह सुबह लखनऊ से करेंगे। पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने के आरोप में राजौरी मेडिकल कॉलेज की कर्मचारी सफिया मजीद को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। लालू प्रसाद और सोनिया गांधी के बीच एक दिन पहले फोन पर बातचीत हुई या नहीं, इस मुद्दे पर कांग्रेस और आरजेडी इनकार और इकरार की राजनीति में फंस गए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि दो सीटों पर हो रहे उपचुनावों में फायदे के लिए लालू प्रसाद ने गलत बयानी की। मतदाताओं में भ्रम फैले कि भाई लोग बातचीत कर रहा है, यहाँ अलग अलग लड़ रहा है, ये पुराना खेल है लालू जी का। पार्टी के सबसे बड़े नेता पर आरोप लगे तो आरजेडी ने कांग्रेस पर उसी तरह वार किया जैसे लालू करते रहे। जिन्हें आदरणीय लालू प्रसाद जी ने छुटबैया कहा था, यही लोग कांग्रेस की दुर्गति के लिए जिम्मेवार हैं। आरजेडी की दलील के बावजूद लालू ने एक दिन पहले जो कुछ कहा उस पर सवाल खड़े हो गए। सोनिया जी से बात चली, हाल चाल क्या है, कैसे है, कहाँ है, हमारा सब ठीक है, ऑल इंडिया पार्टी अपनी पार्टी है। क्रूज केस में आर्यन खान के साथ जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उनमें अविन साहू ऐसे पहले आरोपी रहे जो जमानत पर जेल से रिहा हो चुके हैं। न्यूज 18 से बात करते हुए अविन ने दावा किया कि वो क्रूज पर भी आर्यन से नहीं मिले थे और यहां तक कि क्रूज पर ड्रग्स पार्टी होने की भी उन्हें कोई खबर नहीं थी। को पता था कि उस पार्टी में आर्यन खान भी है, क्या आप आर्यन खान को जानते हो? नहीं, मुझे नहीं पता था आर्यन खान है उस पार्टी में, मैं आर्यन खान को जानता भी नहीं हूँ। तो आपकी और आर्यन की पहली मुलाकात कहाँ और कैसे हुई? मेरी आर्यन से फर्स्ट टाइम मैं मिला था एनसीबी ऑफिस में, उससे पहले कभी नहीं मिला, उसके बाद भी कभी नहीं मिला। एनसीबी का कहना है कि वहाँ ड्रग्स पार्टी हो रही थी, तो क्या आपने ऐसा कुछ देखा था वहाँ पर? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा था सर, तो ड्रग्स पार्टी कुछ नहीं है सर, पता नहीं था, अगर पता होता तो मैं आता नहीं इस पार्टी में। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों पर संकट खड़ा हो गया। राज्य में बहने वाली गंगा, रामगंगा, बूढ़ी गंगा समेत कई नदियां उफान पर हैं। वहीं बांधों से पानी छोड़े जाने से हालात पूरी तरह पटरी से उतर गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि कई इलाके बाढ़ के पानी में घिर गए। इस आफत का सामना फर्रुखाबाद जिले को भी करना पड़ा, जहां करीब 200 गांवों में हाहाकार मच गया। सामने आई एक तस्वीर में सड़कों पर पानी सैलाब की तरह बहता दिखाई दिया। उसी पानी में जिनका निकलना जरूरी था वो किसी तरह जान जोखिम में डालकर अपनी गाड़ी को पार कराते दिखे। कई लोग तो डर के मारे ऊंची जगह पर खड़े ही रह गए। बाढ़ के पानी ने कई इलाकों को पूरी तरह डुबो दिया। सबसे ज्यादा परेशानी तो पैदल चलने वालों को हुई, वो किसी तरह संभल कर आगे बढ़ते नजर आए। वहीं जिन इलाकों में पानी का स्तर काफी ज्यादा था वहां लोगों को नावों का सहारा लेना पड़ा। कई जगहों पर नदी का जलस्तर खतरे के निशान को भी पार कर गया। इस तबाही से किसान तो पूरी तरह टूट गए, क्योंकि उनकी कई महीनों की मेहनत बाढ़ में डूबने से बर्बाद हो गई। मतलब ये तबाही मची हुई बाढ़ की, इससे आगे गेहूं की कोई उम्मीद नहीं है कि दो महीने तक ये पानी नहीं निकलेगा। इसी तरह की तस्वीरें हरदोई से भी सामने आई, वहां भी नदियों के पानी ने खूब कहर बरपाया। हालात इस कदर बिगड़ गए कि कई इलाकों का संपर्क पूरी तरह टूट गया। मतलब उन इलाकों में बाढ़ की वजह से न तो कोई जा सकता है और न वहाँ फंसे लोग आसानी से निकल सकते हैं। रामगंगा, गंगा और गर्रा बहती हैं, वो पूरी तरह से उफान पर थी और अब उन्होंने अपना असर दिखा दिया है। इस बीच हालात का जायजा लेने के लिए जिले के डीएम कई इलाकों में पहुँचे। उन्होंने राहत और बचाव के लिए अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। गाजा पट्टी में चरमपंथी संगठन हमास के लड़ाकों ने हथियारों के साथ परेड निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया और इसराइल को चेतावनी दी। इसराइल की जेलों में बंद कई फिलिस्तीनी कैदी विरोध के तौर पर भूख हड़ताल कर रहे हैं, जिनके समर्थन में ये लड़ाके गाजा की सड़कों पर उतरे और मार्च निकाला। सैनिकों की तरह वर्दी, बुलेट प्रूफ जैकेट और हथियारों से लैस ये लड़ाके सड़क पर कदम ताल करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आए। इनमें से ज्यादातर AK-47 जैसे खतरनाक हथियार से लैस दिखे, जबकि कुछ के हाथ में तो रॉकेट लॉन्चर तक दिखाई दिए। परेड के जरिए हमास ने इसराइल को अपना दमखम दिखाने की कोशिश की, किसी भी कैदी को नुकसान पहुंचने पर उसे अंजाम भुगतने की धमकी भी दी। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, वहां एक हाउसिंग सोसाइटी में मारपीट हो गई। बताया गया कि वहां के सुरक्षा कर्मियों ने कुछ लड़कों को बुरी तरह पीटा।
जिसका वीडियो वहां मौजूद लोगों ने बना लिया, जिसमें दिखा कि नीली वर्दी में एक सिक्योरिटी गार्ड लड़के की तरफ बढ़ा। इसी बीच दूसरे आदमी ने उस लड़के पर डंडे से हमला बोल दिया। इसके बाद देखते ही देखते कई गार्ड वहां इकट्ठा हो गए और सबने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। लड़के ने आरोप लगाया कि उसकी कार पर स्टिकर न होने की वजह से बहस हुई और इसके बाद सारे गार्ड उन दोनों पर टूट पड़े। पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद इस पर एक्शन ले लिया। कार्रवाई करेंगे, हम लोग के पास अभी तक कोई शिकायत नहीं दी जा रही है। हाउसिंग सोसाइटी में हुई इस मारपीट से बाकी लोग भी सहम उठे। वहां मौजूद लोग सुरक्षा कर्मियों को रोकते नजर आए, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी और ये हंगामा काफी देर तक चला। पीएम मोदी इटली और ब्रिटेन के दौरे पर रवाना हो गए हैं। वो इटली के रोम में G20 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जिसमें वो जलवायु परिवर्तन, कोरोना महामारी पर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी वेटिकन सिटी भी जाएंगे और पोप फ्रांसिस से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वो 1 नवंबर को यूके जाएंगे। पड़ोसी बेलारूस से आते रिकॉर्ड तोड़ शरणार्थियों ने यूरोप के देश लिथुआनिया का ऐसा सिरदर्द किया हुआ है कि उसने अपने बॉर्डर पर बैरियर बनाना ही शुरू कर दिया। बेलारूस में राष्ट्रपति चुनाव में धांधली के आरोप की वजह से यूरोपियन यूनियन ने उस पर प्रतिबंध लगाए हुए। यूरोपियन यूनियन का सदस्य लिथुआनिया भी बेलारूस के विपक्ष के साथ खड़ा है। आरोप है कि इसी वजह से बेलारूस लिथुआनिया में दूसरे देशों से आए शरणार्थी छोड़कर उससे बदला ले रहा है, जिससे निपटने के लिए लिथुआनिया ने बेलारूस से लगने वाली अपनी सीमा पर बाकायदा बाड़ बंदी शुरू कर दी। कई मजदूर और इंजीनियर वीरान बॉर्डर पर तेजी से कटीली तारों का जाल बिछाते दिखे। कई फीट लंबी कटीली तारों को एक के ऊपर एक रखकर इतनी ऊंची दीवार खड़ी कर दी गई जिससे कोई उसे फांदी न पाए। इसके बाद दूर तक सिर्फ और सिर्फ लंबी चौड़ी कांटेदार बाड़ नजर आई। लेकिन काम यहीं खत्म नहीं हुआ। बाड़ के बगल में लोहे के बड़े बड़े खंभे जमीन में गाड़कर उससे मजबूत जाली जोड़ दी गई, मतलब शरणार्थियों को रोकने का फुल प्रूफ इंतजाम। बताया गया कि इस बैरियर को बनाने में लिथुआनिया को लगभग 17 करोड़ 40 लाख डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 1300 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इस साल बेलारूस से 4000 से ज्यादा शरणार्थी जबरन लिथुआनिया में घुस चुके हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। केंद्रीय गृह मंत्री आज से 2 दिन के यूपी दौरे पर जाएंगे। वहां वो पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति पर मंथन करेंगे। अमित शाह आज मेरा परिवार भाजपा परिवार सदस्यता अभियान की शुरुआत भी करेंगे। बीजेपी के सदस्यता अभियान की शुरुआत कार्यक्रम में अवध क्षेत्र के तकरीबन 14,000 पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। अवध क्षेत्र में कुल 82 विधानसभाएं आती हैं और हर एक विधानसभा से 10,000 लोगों को इस कार्यक्रम में लाने की पार्टी की तैयारी है। प्रधानमंत्री अगले महीने केदारनाथ जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी दिवाली के अगले दिन 5 नवंबर को केदारनाथ जाएंगे, जहां वो आदि शंकराचार्य की प्रतिमा और उनकी समाधि का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री वहां जारी विकास परियोजनाओं की समीक्षा और कई नई योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। बताया गया कि पीएम मोदी के इस दौरे से पहले केदारनाथ में 250 करोड़ की विकास योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। चुनाव आयोग ने बिहार के कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट के उपचुनाव से पहले एक बड़ा फैसला लिया और वहां चुनाव ड्यूटी पर लगे एक पुलिस अधिकारी को हटा दिया। आरजेडी ने चुनाव आयोग से इस अधिकारी की ये शिकायत की थी कि वो चुनाव प्रभावित कर सकते हैं। हमें सूचना मिली चुनाव आयोग ने उस अधिकारी विशेष को उस कार्य से हटा दिया है। जयपुर एयरपोर्ट पर एक यात्री के पास से 14 लाख का सोना जब्त किया गया। दिल्ली के मधुविहार इलाके में पुलिस ने गो हत्या में शामिल एक गिरोह का पर्दाफाश करने का दावा किया। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक नाबालिग को भी इसी मामले में पकड़ा गया। आरोप है कि इन्होंने भागते वक्त पुलिस टीम पर फायरिंग भी की थी। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोविंद सानी 48 किलोग्राम भार वर्ग के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। साथ ही निशान देव को 71 किलोग्राम भार वर्ग में जीत हासिल हुई। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करने के लिए लखनऊ में एक अहम बैठक हुई। न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर है कि योगी आदित्यनाथ की इस बैठक में राज्य के वित्त मंत्री और वित्त विभाग के अधिकारी मौजूद थे। यही नहीं, इस बैठक में केंद्रीय मंत्री और यूपी के बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे, जिसमें वैट को कम कर डीजल और पेट्रोल के दाम कम करने पर चर्चा हुई, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने वित्त विभाग के अधिकारियों से इस मामले पर पूरी रिपोर्ट मांगी है। सूत्रों के मुताबिक योगी सरकार जल्द ही इस बारे में बड़ा फैसला ले सकती है। उम्मीद की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में वैट कम करने से डीजल और पेट्रोल की कीमतों में 2 से 3 रुपए प्रति लीटर की कमी आ जाएगी।
देश की राजधानी दिल्ली के बाद एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी डेंगू के मरीज अचानक बढ़ने लगे। बताया गया कि हाल के दिनों तक हुई बारिश की वजह से मच्छरों को पनपने का मौका मिला, जिससे डेंगू ने अपने पैर पसार लिए। दिल्ली के बेहद पास गाजियाबाद में तो डेंगू, जिसे डेंगू भी कहा जाता है, उसके लक्षण वाले करीब 250 मरीज रोजाना जिला अस्पताल पहुंचते नजर आ रहे हैं, जिनकी वजह से अस्पताल में भारी भीड़ दिखी। कार्ड बनवाने के लिए परेशान मरीज बुखार होने के बावजूद कोरोना से बचाव के नियम तोड़ते दिखे। मैं आपको तस्वीरों के जरिए यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ कि किस कदर लोग यहाँ पर गाजियाबाद जिले में बीमार हैं। जैसे ही 50 से 70 मरीजों के डेंगू के चपेट में आने की पुष्टि रोजाना होने लगी, अस्पताल प्रबंधन ने भी उसी हिसाब से वार्ड को तैयार कर लिया। मच्छरों से बचने के लिए सभी बिस्तरों पर मच्छरदानी के इंतजाम नजर आए और 30,000 से कम प्लेटलेट वाले मरीजों को गंभीर मानकर भर्ती किया जाता दिखा। डेंगू के मरीज जो हैं आते हैं 30,000 से कम प्लेटलेट वाले, तो उनका हम लोग वो कराते हैं। डेंगू वार्ड में वरिष्ठ डॉक्टर खुद मरीजों की सेहत पर तो नजर रखते दिखे ही, साथ ही इससे